आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामले लगातार 50,000 से कम आ रहे हैं। कोरोना के तेजी से घटते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से कोविड प्रतिबंधों को संशोधित करने या कम करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा 21 जनवरी 2022 के बाद से कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। बीते हफ्ते कोरोना के औसत 50,476 मामले सामने आ रहे थे, जबकि बीते 24 घंटों में 27,409 केस मिले हैं। वहीं 15 फरवरी को डेली पॉजिटिविटी दर 3.63 दर्ज की गई। उन्होंने आगे कहा कि सरकार मौजूदा दिशा निर्देशों में बदलाव कर रही है, साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को भी संशोधित किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश भर में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, ऐसे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नए मामलों, एक्टिव केस और पॉजिटिविटी दर को देखते हुए अतिरिक्त प्रतिबंधों को संशोधित कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को उनकी सीमाओं और एयरपोर्ट पर भी कोविड प्रतिबंधों में ढील देने की सलाह दी, जिससे लोगों की आवाजाही हो सके और अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो। साथ ही उन्होंने राज्यों को कोरोना के मामलों पर नजर रखने को भी कहा। सरकार की तरफ से राज्यों को 5 रणनीति बनाकर महामारी की स्थिति पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है। इसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड नियमों का अनुपालन शामिल है। गौरतलब हो कि देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 30,757 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 541 लोगों की मौत हुई है, जबकि 67,538 लोग ठीक भी हुए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।